So let me just start with two lines from Kumar Vishwas to pay homage to 13 IAF personnel who have died in recent plane crash in Arunachal Pradesh. So it goes like this. हन मन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय है न मन उनको कि जिनके सामने बोला हिमालय जो जरा पर गिर गए और आसमानी हो गए है न मन उनको कि जिनके सामने बोला हिमालय. So, I'll start with some romantic poems and then I will go to Chai Ki Tapri and all. So, first is about a girl jiska recent mein breakup hua aur usko kya feeling hai, uske perception se kya likhna chahta hu main, wo agar pahunch paun aap sab tak to zarur taali bajayega. Ki jhoom ke saavan ki tarah itla ke ga rahi thi wo, ki jhoom ke saavan ki tarah itla ke ga rahi thi wo, bheeg ke baarish mein sab kuch bula rahi thi wo, bheeg ke baarish mein sab kuch bula rahi thi wo. Samajh nahi aata ki ishq ke badle mein ashq kyun milte hain, samajh nahi aata ki ishq ke badle mein ashq kyun milte hain, jinhe sambhalna tha sab kuch ve anjaan kyun bante hain, jinhe sambhalna tha sab kuch ve anjaan kyun bante hain. Khair, ab is line pe taaliyan chahiye kyunki bahut shiddat se likhi hai ki खैर रूहानियत से मोहब्बत शायद की नहीं जाती, कि खैर रूहानियत से मोहब्बत शायद की नहीं जाती और हर गमी दिल की होठों से बयां की नहीं जाती, हर गमी दिल की होठों से बयां की नहीं जाती. याद रखियो दिल शायद तू चोट तू भी खाएगा, प्यार का असली मतलब उस दिन तू समझ जाएगा, प्यार का असली मतलब तो उस दिन समझ जाएगा. उसके बाद ये एक और पोएम है, तू चांद खिला मैं रात बन जाऊँ, तू चांद खिला मैं रात बन जाऊँ, दीवानी से नाखों का एक प्यारा सा ख्वाब बन जाऊं, तो पर्दा हटा कि हम नशे हो जाऊं, थाम ले जरा कि मखमली हो जाऊं, थाम ले जरा कि मखमली हो जाऊं, नजरों से नजरें मिला और कर दे सारे नज्म बयां, कि नजरों से नजरें मिला और कर दे सारे नज्म बयां, सिखा दे सारे ढंग जिंदगी के, मिटा के इन लबों की हया, अब रख ले तेरे पहलू में इस दिल को ये भी बेकसूर है, तेरे खातिर लड़ना खुदा से भी मुझको मंजूर है, तेरे खातिर लड़ना खुदा से भी मुझको मंजूर है, तू साज तू नगमा बनूँ मैं, तेरे वक्त का साया बनूँ मैं, जिंदा हूँ मैं तो मेहरबान तू है, बिन तुम्हारे बेदम बेजान हूँ मैं, बिन तुम्हारे बेदम बेजान हूँ मैं, सो जाओ अब तुम्हारी नींद बन जाऊँ मैं, काम बहुत है आज, इजाज़त दे के जाग जाऊँ मैं, इजाज़त दे के जाग जाऊँ मैं. तो नेक्स्ट पोएम है एक चिड़िया, एक छोटी सी बच्ची को देख के लिखी थी कि एक चिड़िया थी, हर रोज मैं उसको देखा करता था, हर रोज वो मुस्काया करती थी, वो पल पल महका करती थी, मैं क्षण क्षण बहका करता था, एक रोज वो चली गई, मुझे लगा छोड़ के चली गई, अब नहीं आएगी, चहक नहीं सुनाएगी, घर की बालकनी में मुझको अजनबी सा कर जाएगी, क्या खुद को मैं पाऊंगा फिर ये सोच छोड़ जाएगी. पर अगले दिन वो फिर आई, जख्मी थी मैं भी शायद, पलके झुकाई मानो मुझसे वो बतलाई कि मुझे फिर से उड़ना है, सौ सौ मील लांगना है, मैं सवाल खुद के भूलने लगा, नए एहसास बुनने लगा, लगा कि उसका उड़ना ज़रूरी है, उसका मुझसे बिछड़ना ज़रूरी है, उसका मुझसे बिछड़ना ज़रूरी है, हर शाम मिलती है वो अमृतसर, खुश है वो मैं भी तुम क्वेश्चन मार्क. सो चाइल्ड लवर्स इन द हाउस रेज़ योर हैंड्स, Child lovers in the house, raise your hands please. So this one is for you. चाय की टपरी, कि इन हालातों में भी चाय की टपरी जगाती है, इन हालातों में भी चाय की टपरी जगाती है, उठा के नींद से टपरी तक चलवाती है, चाय जब सुकून से पीता हूँ तो एक बात समझ आती है, चाय जब सुकून से पीता हूँ तो एक बात समझ आती है कि सूरत हाल बदले ना बदले ये वक्त ज़रूर बदलता है, चाय रंग बदलती दिख जाती है इंसान नहीं दिखता है, चाय रंग बदलती दिख जाती है इंसान नहीं दिखता है, मसलन अब इस बात से ताल्लुक नहीं मेरा कि मैं बदल क्यों गया, सब आगे चल दिए किसी ना किसी बहाने से मैं ठहर क्यों गया, सब आगे चल दिए किसी ना किसी बहाने से मैं ठहर क्यों गया, चलो बातें तो होती रहेंगी गुफ्तगू होती रहेगी, चलो तो फिर गुफ्तगू करते हैं, वहाँ चाय की टपरी है चलो चाय पीते हैं, वहाँ चाय की टपरी है चलो चाय पीते हैं.